आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आज से मैं शुरू कर रहा हूं यूपी स्पेशल की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस, जिसका आप लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे। डेली शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में ये क्लासेस अपलोड होंगी आपके लिए। आपको बस एक ही काम करना है, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की UPPCS BEO RO ARO हो, चाहे यूपी की TGT PGT हो या UPSSSC की कोई भी परीक्षा हो, बस मेरी एक राय मान के जाइएगा, चाहे कोई कोचिंग करते रहें, बस इस प्लेलिस्ट को पूरी रट डालिएगा और इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा जो कि टॉपर्स कोड पे मिल जाएगा आपको। ये सिर्फ दो काम आपको करना है, क्या यूपी स्पेशल का प्रिंट आउट ले लेंगे मुझसे, ठीक, और दूसरा टॉपर्स कोड से मिलेगा, दूसरा इसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट रट डालिए। 90% यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आपसे सही होंगे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब आप वीडियो देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो यूपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम मैंने निकाल रखा है, अब इससे ज़्यादा मैं अपने बारे में कुछ कहूँगा नहीं, बाकी आपको पता है, ठीक। शुरुआत करते हैं आज यूपी स्पेशल में। तो यूपी के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ, सारी शॉर्टेस्ट ट्रिक से क्लासेज होंगी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी होंगी। ये आपके सामने है यूपी का मैप, इसका मैप है यूपी का मैप है। अब मैं यूपी के बारे में कुछ अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं जो कि आपको हमेशा रटे रहना चाहिए। अगर आप नॉन यूपी के स्टूडेंट हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश PCS दे रहे हैं, तो आपको बस प्लेलिस्ट रट लेनी है, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहला फैक्ट, और इसके कुछ आपको अलग से लिखना नहीं है, सब कुछ मैंने अगली स्लाइड में लिखा हुआ है, तो कुछ अलग से आपको कुछ नहीं लिखना, सब कुछ लिखा है। भारत का उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा प्रदेश है, याद रखिए, भारत का उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसके सबसे ज़्यादा जिले हैं। यूपी के कितने जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट है, और ये 75 डिस्ट्रिक्ट्स को, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 जिले हैं यूपी में, और इन 75 जिले को बांटा गया है 18 मंडलों में, ठीक है ना। याद रखिएगा यूपी में कुल 75 जिले हैं, पूरे भारत का इकलौता ऐसा प्रदेश जिसके पास सबसे ज़्यादा जिले हैं 75, और यहाँ पे इन 75 जिलों को कितने मंडलों में बांटा गया है, 18 मंडलों में बांटा गया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूपी उत्तर प्रदेश का एक जिला ऐसा है जो कि पूरे भारत में स्पेशल है, ये लास्ट का जिला, देखिए ध्यान से, ये है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का इकलौता और पूरे भारत का इकलौता ऐसा जिला है सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों से जिसकी सीमाएं मिलती हैं। तो ये यूपी का जिला है सोनभद्र, इसकी सीमा मिलती है मध्य प्रदेश से, इसकी सीमा मिलती है बिहार से, इसकी सीमा मिलती है झारखंड से, और इसकी सीमा मिलती है यहाँ पे छत्तीसगढ़ से। तो यूपी का सोनभद्र इकलौता ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से कनेक्ट होता है। याद रखिए सबसे पहला ये MP है, मध्य प्रदेश, इस तरफ बिहार है, ये झारखंड है, और ये वाली जो लाइन दिख रही है ये है कौन सी, छत्तीसगढ़ की लाइन है, ठीक। तो ये पहली चीज़ हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट। पूरे भारत में, चूंकि अगर मैं आपको बताऊँ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहीं की है, तो वो है उत्तर प्रदेश की। ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको सब मैंने लिख रखा है अगली स्लाइड में, ठीक है ना। तो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। जब ज़्यादा जनसंख्या है तो निश्चित तौर से यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की सीट सबसे ज़्यादा है। जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है, ये आपको हमेशा रट लेना चाहिए, ठीक है ना। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की, और सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट भी उत्तर प्रदेश की, ठीक, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भारत में सबसे ज़्यादा है। अब आ जाइए अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, अभी मैं शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा पूरा आपको, जो एग्जाम में अक्सर पूछता है उसके बारे में, ठीक है ना। अगली चीज, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है, विधानसभा की कुल 403 सीट हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको रटना भी नहीं है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये क्या है, यूपी में 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं, सबसे अधिक जनसंख्या यूपी की है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट राज्यों की सीट कितनी है, 80 और 31 है। यूपी का सबसे अधिक जिलों, यूपी सबसे अधिक जिलों वाला प्रदेश है, 403 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो है प्रयागराज में, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रयागराज उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टेस्ट ट्रिक, अक्सर एग्जाम में आप पाएंगे यूपी स्पेशल में कि कौन सी सीमाएं उत्तराखंड से टच कर रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड से टच करता है, या यूपी का कौन सा जिला नेपाल से टच नहीं करता है, इस टाइप के एक प्रश्न ज़रूर आते हैं, तो उसी का मैंने सोल्यूशन निकाल दिया, ये शॉर्टेस्ट ट्रिक कन्फर्म है। एक प्रश्न आपको ये ज़रूर मिलेगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश को टच करता है और कौन सा नहीं करता है। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, सबकी एक शॉर्टेस्ट ट्रिक बना दी कि गाजियाबाद से, ये देखिए ये यूपी का पूरी सीमा है, ये पूरी यूपी की सीमा आप सभी को दिख रही है, यहाँ से यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा। तो गाजियाबाद से मैं शुरुआत करूँगा
और पूरा का पूरा वहां से घूम के वापस मैं गौतम बुद्ध नगर पे खत्म करूंगा, ठीक है ना। इस शॉर्टेस्ट ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होगी? गाजियाबाद से। तो कैसे? सबसे पहले देखिए, गाज बाग शाम साहा, ध्यान से सुनिएगा, ये शॉर्टेस्ट ट्रिक पूरी लिखी हुई, डोंट वरी, ये पूरी लिखी हुई है और ये रटनी मैंडेटरी है, क्योंकि एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे कैसा भी एग्जाम हो उसमें एक प्रश्न जरूर आएगा। क्या? कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा बिहार से, निम्न में से क्वेश्चन आएगा, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा बिहार से नहीं टच करती है, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। इससे बेहतर है एक बार में शॉर्टेस्ट ट्रिक जरूर रट डालिए, कुछ पढ़िए चाहे मत पढ़िए, एक प्रश्न फिक्स है। क्या? गाज बाग शाम साहा मुजविज मुर राम बरे, फिर से, गाज बाग शाम साहा मुजविज मुर राम बरे, ठीक। फिर क्या होगा? पील लाख बहश्राव बल सिद्ध महाराज कुशी, ठीक, ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं दिखा दूं, गाज बाग शाम साहा मुजविज मुर राम बरे, पील लाख बहश्राव बल सिद्ध महाराज कुशी, ठीक। अब अगला क्या आएगा? देव बाल गाज चांद, देव बाल गाज चांद सोन मिर्जा पर चित्र बांध, ध्यान से सुनिएगा, देव बाल गाज चांद सोन मिर्जा पर चित्र बांध, पुराना नाम इलाहाबाद है, आज का नाम इसका प्रयागराज है, ठीक है ना। सोन मिर्जा पर चित्र बांध, महाझाल जाल ईटा, ठीक, फिर से देख लीजिए, महाझाल जाल ईटा आफिर मथ अली गाद, ठीक, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, महाझाल जाल ईटा आफिर आगरा फिरोजाबाद मथ अली गाद या फिर नाद, ठीक। फिर से यहाँ शॉर्टेस्ट ट्रिक देख लीजिए, गाज बाग शाम साहा मुजविज मुर राम बरे पील लाख बहश्राव बलसिद महाराज कुशी देव बाल गाल चांद सोन मिर्जा पर चित्र बाद महाझाल जाल ईटा आफिर मत अली गाद। सिंपल सी ये ट्रिक है, इसको जरूर याद कर लीजिए बिना कुछ सोचे समझे। अब एग्जाम में आएगा नेपाल से कौन कौन से टच करते हैं, तो याद रखिएगा कैसे रटेंगे। क्या था? सबसे पहले शुरुआत देखिए कहाँ से है, गाज बाग शाम साहा, ठीक, देखिए, गाज बाग शाम साहा मुजविज मुर राम बरे, ठीक, पीली कहाँ से शुरू है, पीली, ये यहाँ से, पीली से मतलब यहाँ से जिले किससे टच हैं, पील लाख बहश्राव बल सिद्ध महाराजगंज, ये देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जिला किससे टच कर रहा है, नेपाल से टच कर रहा है ना। अब उसके बाद महाराज कुशी, अब यहाँ से आ जाइए, कुशीनगर देव बाल गाज चांद सोन, ये सारे किससे टच कर रहे हैं, बिहार से टच कर रहे हैं। अब आ जाइए सोनभद्र पे, सोनभद्र चार प्रदेश से टच हो रहा है। अब अगला आ जाइए सोन मिर्जा पर चित्र बांध, महाझाल जाल ईटा आफिर, देख रहे हैं ना, आफिर इसमें जो फिरोजाबाद है यहाँ तक आता है मध्य प्रदेश का पूरा टच, ठीक। उसके बाद आफिर का आगरा मथ, देख लीजिए, आगरा मथुरा दो टच किससे टच है, राजस्थान से, मथ अली नाद, अलीगढ़ नाद मतलब नोएडा और मथुरा, ये तीन चीज़ हरियाणा से टच होती हैं, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट ट्रिक है क्या जानने की, कि उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा जिला किससे टच करता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, ये देख लीजिए सबसे टॉप पे है, अक्सर ये प्रश्न पूछेगा, ये देख लीजिए ध्यान से, सबसे ऊपर क्या है, सबसे टॉप पे है सहारनपुर। हरियाणा से देखिए सहारनपुर शामली बागपत, ये तीन टच करता है और चौथा गौतम बुद्ध अलीगढ़ इधर से टच करता है, बीच में क्या है, दिल्ली है। तो ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है, कैसी लगी ये ट्रिक जरूर बताइएगा। ये रहा पहला वीडियो, आपको आंख बंद करके बिना सोचे समझे पूरी प्लेलिस्ट रट डालनी है, ये पीडीएफ मिलेगा टॉपर्स कोड से। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप इस पूरी पीडीएफ को सॉल्व कर लें या पढ़ डालें तो टॉपर्स कोड के यूपी स्पेशल के सारे प्रश्न रट डालिए, 90% प्रश्न आपको मिलेंगे टॉपर्स कोड से और इस वीडियो से, बस दैट्स ऑल। यूपी का कोई भी एग्जाम हो, ट्राई इट एंड यू विल फील लाइक इट्स वेरी इजी। थैंक यू सो मच।